नमस्कार, मैं हूँ आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला नगर के नेशनल हाईवे किनारे मुरादाबाद रोड स्थित एसएसपी फैक्ट्री के निकट बिना नक्शा पास कराए की जा रही प्लाटिंग को मुरादाबाद से पहुंची एमडीए की टीम ने ध्वस्त करा दिया। टीम की इस कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग कराने वालों में अफरा तफरी मच रही है। आपको बता दें कि इस दौरान प्लाटिंग करा रहे सोमवीर सिंह ने पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की टीम की तरफ से मुझे किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला है। मेरी और मेरी जमीन हुई प्लाटिंग को अवैध बताकर और मुझे बिना नोटिस दिए ही प्लाटिंग पर एमडीए की टीम ने पुलिस व पीएससी फोर्स लेकर पहुंच गई, जिसने दुकानें, ऑफिस व चारों ओर हुई बाउंड्री को ध्वस्त करा दिया। इस दौरान वह अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी और देखते ही देखते कुछ ही देर में सब कुछ ध्वस्त करा दिया, जिससे उनका करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। प्राइम न्यूज 24 से कविंदर सिंह, प्राइम न्यूज 24 अमरोहा की रिपोर्ट। ये नगर पालिका गजरौला से बाहर है हमारा प्लॉट, ठीक है। तिगरिया खादर गांव का है, हसनपुर तहसील में आता है और 2013 में इसकी 143 कर दी थी एसडीएम हसनपुर ने आवासीय घोषित किया गया। ये जबरदस्ती की कार्रवाई हो रही है, इसमें कि हमारा 20 लाख रुपये नुकसान हो गया। तो इन्होंने आपको आने से पहले नोटिस दिया कोई? हमें कोई नोटिस नहीं दिया आने से पहले, ना कोई बताया गया है। अच्छा, कुछ बताया भी नहीं है? बस पुलिस लेकर आए और हमें तो बंदर सरवा लिया एकदम। तो आपने रिक्वेस्ट करी थी इनसे कि मत तोड़ो इसको? बहुत टाइम से इंचार्ज हैं भावल एमडी के, उनसे बहुत कम मत तोड़ो कि तोड़ो, लेकिन इन्होंने आपकी नहीं सुनी। अपनी मटमुड़ती में सारे सब दुकानें और ऑफिस भी सब गिरा दिए, जबकि ये सब ग्राहकों का है। जी जी, गरीब ग्राहक है, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं। अगर एमडी इतना बड़ा सूरमा है तो एमडी को यहाँ पर 1000 बीघे में कम से कम कलोनी काटनी चाहिए, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल सके, गरीब लोगों को जो है नक्शा पास हुआ हुआ अप्रूव जगह मिल सके। और हम लोग करते हैं गरीब लोगों के लिए मकान देते हैं बना के, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी सोच है कि गरीब लोगों को छत मिलनी चाहिए। लोन लेकर लोग प्लॉट खरीद रहे हैं यहाँ पे, सरकारी फौजी हैं, फौजी और कुछ टीचर हैं, देश की सेवा में लगे बेचारा। उनकी तो क्या बीता कि उन्होंने सीमेंट लगा के यार इंटर लगा के अपनी जीवन भरे थी, कितना नुकसान हुआ उनका, कितना नुकसान हुआ है। एन डी ए ने गजरौला में कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, अलावा केवल एम डी ए के जेई एई और सब पैसे खाते हैं। हमने पैसा नहीं दिया था क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है नहीं फालतू, इसलिए कार्रवाई की गई है, इसलिए कार्रवाई की गई है। और बाकी हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ तो होगी और किसी भाई के साथ ना हो और किसी कोरोना के वाले के साथ ना हो। हमारी क्या और तोड़ दें, गहरा गड्ढा कर दें, ताला बना लें, लेकिन और किसी भी कोरोनाइजर के साथ ये कार्रवाई ना हो, हम ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं ये।